बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम आपके साथ अपनी सुबह के जो है नाश्ते की रूटीन शेयर करेंगे कि विलेज में गर्मियों में सुबह के नाश्ते की रूटीन जो है वो कैसी होती है। अभी फ़िलहाल बहुत दिन बाद जो है ना मैं अब बना रही हूँ लस्सी। तो दूध जो है वो मैंने डाल दिया चाटी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी अभी हमने इसकी सेटिंग कर ली है। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू हो जाते हैं। और सुबह ही मैंने बहुत कोशिश की है कि जल्दी से जो है बना लूँ। मोहम्मद सुबान और फजर सुबह ही इतने एक्टिव, क्योंकि आज संडे है ना, फजर को छुट्टी है, इसलिए वो बड़ी फ्रेश होके, और जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन उठती नहीं है स्कूल जब जाना, और आज स्कूल जाना नहीं है इसलिए जल्दी, आज संडे है। वैसे तो माशाल्लाह सुबह सुबह जो है बादल बन गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो सूरज निकल रहा है। हम भी चाहते हैं कि सूरज जो है वो निकले, क्योंकि फिर से बारिशों का मौसम जो है वो बन जाता है। तो अभी जी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मक्खन जो आ गया, क्योंकि ये ना थोड़ा भारी भारी हो गया। तो जब मक्खन आ जाता है ना तो फिर थोड़ा भारी हो जाता है। तो मोहम्मद सुबहान ने सारा लस्सी जो है ना मेरे साथ बनवाता रहे, हेल्प किए मामा की, है ना। बस अब हो गया, अब आप बनाना साइड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मक्खन लस्सी में कम और मधानी के साथ ज़्यादा लगा हुआ। उधर दर्शन जा अंदर। तो माशाल्लाह से जी मक्खन हमारा जो है वो हमने निकाल लिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि जो है ना लस्सी वगैरह जो है वो सारी इसमें से निकल जाए, क्योंकि लस्सी में थोड़ा खट्टा पानी होता है इसमें। मक्खन निकालने के बाद अभी ये बच चुकी है
इसको छुड़की बोलते हैं। अक्सर खवातीन इसको भी रोटी में लगा लेती हैं, इससे रोटी थोड़ी सी ना ऐसे खट्टी और खमीरी टाइप सी बनती है। लेकिन हम इसको डाल देंगे मैना को, क्योंकि वो मुसलसल बोल रही है। तो माशाल्लाह से जी लस्सी जो है वो हमारी हो चुकी है तैयार, साथ में मक्खन और दही। और अभी हम इंतज़ाम करते हैं रोटी का, लेकिन उससे पहले मैं अपने बिस्तर वगैरह जो है उनको समेट लेती हूँ। अभी जी मैं धो रही हूँ बर्तन। मैंने कहा लस्सी बनाने के बाद पहले बर्तन जो है साथ साथ में धो लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए बर्तन धो रही हूँ, और क्या करना करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी अभी हम आटा जो है ना वो गूंद लेते हैं। बर्तन वगैरह जो है वो मैंने धो लिए, तो आटा मैं थोड़ा ज़्यादा गूंदूंगी, क्योंकि दोपहर का जो रोटी है ना वो भी बना के रख दूंगी, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने कहा दोपहर के लिए भी तैयार करके रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर दोपहर को एक हांडी होगी वो बना लेंगे। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह तंदूरी जो है वो मैंने जला लिया, और आज से सुबह का नाश्ता जो हमारा होगा ना वो तंदूरी पे ही बनाया करेंगे, क्योंकि जो तंदूरी की रोटी होती है वो ठंडी होती है। इसलिए मैंने कहा जो है तंदूर पे ही बनाते हैं, और साथ में दोपहर की भी बना के रख दिया करेंगे। शाम को बंदा ताज़ी बना सकता है, लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो माशाल्लाह से जी तंदूरी हमारी जो है वो सुरख हो चुकी है। तो ये वाली लकड़ी जो है ना ये हटा लेते हैं, क्योंकि पहले मुझे था कि हो सकता है कि ज़्यादा देर ले। जी हाँ जी, इसको बुझा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जी लगा लेते हैं रोटियां। Thank you.
तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारा नाश्ता जो है ना वो हो चुका है तैयार। शक्कर है, साथ में है जी मक्खन, दही और लस्सी, और साथ में ये है हमारे पास तंदूरी रोटी। तो माशाल्लाह इस पे मैंने मक्खन जो है वो पहले लगा दिया था, और अभी मक्खन रखेंगे इसके ऊपर और फिर रखेंगे इसके ऊपर शक्कर। मोहम्मद सुबहान ऐसे करके देख रहा है। तो अभी हम नाश्ता जो है वो खाना शुरू करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा सुबह का नाश्ता, और आज का जो है नाश्ता हमारा स्पेशल जो है वो तैयार हुआ है ना फजर? ये हाँ जी माता। मैं खिलाती हूँ आपको, ये उधर रख दो आपके बाबा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पियेंगे लस्सी और उसके बाद नाश्ता स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद सुबहान और फजर लस्सी नहीं पीते, लेकिन मैं और तारिक साहब जो है वो लस्सी पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी ये लो मीठी शक्कर। मोहम्मद सुबहान का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फजर जो है वो शौक से खा रही है। और अभी भी हम लोग करते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर दिन भर के जो भी काम होंगे वो करेंगे। जहाज, चांद। तो अभी जी नाश्ता हम निकाल लिया, और मैंने बर्तन वगैरह जो है वो भी धो के रख लिए, और मैंने अभी कहा कि मैं फजर को सुबह ही होमवर्क दे देती हूँ, क्योंकि अभी इसको तकरीबन मेरे ख्याल में 6 तारीख को छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो उन्होंने जो है इसको काफ़ी सारा जो है होमवर्क दिया है, इसको लिखना और पढ़ना सब कुछ आना चाहिए। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि मैं इसको अच्छे से लिखना सिखा दूँ, लेकिन एक बात है कि जब भी फजर पढ़ने लिखती है ना, तो ये जो बंदा ये बैठा हुआ है ये बड़ा तंग करता है, इसको डिस्टर्ब करता है, पढ़ने नहीं देता। अभी आ गया, मुझे दे दे। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ। तो ये लो, तो अभी जी इसको पढ़ाते हैं और बाकी जो काम होगा वो करेंगे। बाकी आज की जो व्लॉग है उसका यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अभी कल के नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लिखो लिख अलीफ अलीफ पापा अलमदा अलमदा बे दद्दो दद्दो पापा ए नहीं हाँ पापा क्या पढ़ना पापा पे से पत्ता।